और आज का जो वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको वीडियो एडिट करना है। तो आपको काइन मास्टर खोलने के बाद 16:9 पे करने के बाद आप अपना यहाँ पे वीडियो जो आपको वीडियो बनाए हो वो आप लाने के बाद आपको लगता है जहाँ से आपको कट करना है उसको, ठीक है, उस वहाँ देखो कि यार कहाँ से आपको कट करना है, ठीक है। उसके बाद कट के ऑप्शन पे जाके आप कट कर दो, जैसे मैं कट किया। उसके बाद एक बार प्ले करके देख लो कि यार सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना आपको दोबारा भी कट करना पड़े इसमें, ठीक है। मैं इसी हिसाब से देख ले रहा हूँ कि यार कहाँ मेरे को कट करना है और कहाँ पे मेरा वॉइस सही आया है कि नहीं आया, कहाँ से मैं बोलना चालू किया हूँ, ठीक है। आप भी उसी तरह देख के यार कट कर देना। और इस तरह मैं कट कर दिया और यहाँ पे फिर देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसको मैं पूरा हटा दूंगा, ठीक है। ये इधर का जो वीडियो है पूरा वो सब बेकार है, वो कोई काम का नहीं है। तो आपका भी अगर कोई यानी बेफालतू वीडियो आ गया, यानी फिर आप जैसे बनाए वीडियो और कहीं कहीं आप भूल गए, तो उसका वो कट करके आप हटा देना, ठीक है। और इस पर क्लिक करके यानी आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है, तुरंत आप डिलीट कर दो। और बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर लगाना, तो आप अपने अकॉर्डिंग यानी 10 से 20 या 25 तक आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हो। तो मैं भी लगा दे रहा हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लगाना। और आपका जो वॉइस है थोड़ा बेसी होना चाहिए बैकग्राउंड म्यूजिक के कंपैरिजन में, और बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा आपका कम होना चाहिए आपके वॉइस से, ठीक है। तो ही आप यानी दूसरे को पसंद आएगा वीडियो, ठीक है, क्योंकि आपका वॉइस अगर सही से मालूम चलेगा तो ही लोगों को पसंद आएगा। तो आपको अपना वॉइस तेज रखना और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको कम में रख देना, यानी 10, 20 या 25, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना जिस तरह आपको सही पड़े। तो मैं 25 पे इसको रखूँगा, क्योंकि यार मेरे को लग रहा था कि 25 पे ही बेटर पड़ेगा, तो 25 पे रखा और सही चल रहा है, ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आ रहा है, तो 25 पे मैं रख दिया। और इसको मैं जूम करूँगा, देखो यार जूम पे क्लिक किया और मैं देखो मैं नीचे वाले में क्लिक किया कि और उसके बाद जूम करने लगा, इतना जूम कर दिया, ठीक है। उसके बाद सही यानी राइट पे क्लिक कर दो, उसके बाद आप प्ले करके देखो तो आपका जूम होने लगेगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो ऑप्शन था आपको जूम आउट उससे हो जाता, ठीक है। ये जूम वाला मैं ऑप्शन क्लिक किया, और उसके बाद मेरे को अगर यहाँ पे कुछ लिखना है तो मैं लिख भी सकता हूँ, यूट्यूब जैसे यूट्यूब लाइक शेयर जो ये सब लिखना है आप लिख सकते हो, और इसी बात पर लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर दोस्तों करो। तो यार इसमें मैं कलर भी लगा सकता हूँ, कलर देखो मैं कलर भी लगा दिया। तो आपको जिसके अकॉर्डिंग आपको रखना है उसी के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी चीज़ आपको यानी इसमें लिखना है तो यार आप आराम से इस पर लिख सकते हो, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ लिखने में, ठीक है। और आप लिख दो और जहाँ तक आपको रखना है वहाँ तक रख दो, ये येलो वाला दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप रख देना। और अगर आप कुछ इसमें पिक्चर उक्चर लगाओगे तो पिक्चर यार जो है आप उसके अकॉर्डिंग वीडियो के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, उस पर क्लिक करो। उसके बाद मैं साइड में लगा दे रहा हूँ, और आपको फुल लगाना तो फुल लगा दो। उसके बाद उस पिक्चर को यानी कितने पे रखना है यानी कहाँ से कहाँ तक दिखाना है वो भी आप नीचे से क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, कि आपको यहाँ पे नहीं दिखाना लास्ट में दिखाना, तो लास्ट में मैं कर दिया, उसके बाद पिक्चर लास्ट तक आएगा, ठीक है। तो आप भी उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपका पिक्चर उसी में यानी उसी के अकॉर्डिंग दिखाई देगा, तो आप भी लगा सकते हो। उसके बाद मैं टेस्ट का जो येल्लो वाला जो मेरा दिखाई दे रहा है जो मैं यूट्यूब लिखा हूँ वो येल्लो वाला है, ठीक है, अगर मैं उसको कम करता हूँ और जहाँ लगाना चाहता हूँ वहाँ लगा सकते हो। और उसके बाद देखो मेरे को इफ़ेक्ट यानी ये जो बीच में मैं कर दिया हूँ उसको इफ़ेक्ट देता हूँ, तो यार वो अलग एक रूप यानी मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। अगर आप इफ़ेक्ट लगाते हो, आपका 2-3 वीडियो है तो उसमें बीच में इफ़ेक्ट भी लगाते हो तो यार अच्छा लगता है देखने में, कुछ आपको इंटरेस्टिंग फील होता है, ठीक है। तो मैं इफ़ेक्ट भी लगा दिया और उसके बाद प्ले करके देखूंगा, अच्छा लग रहा है यार वीडियो कुछ अट्रैक्टिव हो गया और बढ़िया देखने में लग गया। तो इसके बाद मैं इसको सेव करूंगा, उसके बाद देख लो इसमें 30 पे आपका है, फिर 1080 पिक्सल पे रहेगा फुल HD। और मैं इधर दिखा दूँ 15 MB/s का है, तो यार आपको बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद मेरा सेव हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं था, आपका बड़ा होगा, तो यार आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और जो वीडियो एडिटिंग का यार आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह एडिटिंग करना है, तो आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं यार मेरे को जरूर बताना, अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों के पास शेयर करना, ठीक है ना, उनको भी यार मालूम होना चाहिए। तो भाई चलते हैं, फिर कल मिलते हैं एकदम इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तो बाय बाय।